हमें भी अपनी जिंदगी में खूब सारे रंग भरने चाहिए और हम लोग को बहुत सारे रंग भरने का राइट भी है। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है कलर्स। लाइफ किसी की कैसी भी हो लेकिन कलर्स होना बहुत जरूरी है। जब आप कलरफुल रहते हो ना तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो या ना हो लाइफ जीने का अंदाज ही अलग होता है। हर दिन हो चांद सितारों सा, रातें हो मस्त बहारों सी, जीवन में खुशियां सजी रहे, बहती नदियों की धारों सी, बहती नदियों की धारों सी। राजधानी लखनऊ के होटल ग्रैंड मैनहट्टन में अंश वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से होली उत्सव का महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आदरणीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। महापौर जी ने सभी महिलाओं के साथ फूलों की होली भी खेली। इस कार्यक्रम में लीडिंग लेडी ग्रुप सहयोगी संस्था की महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजिका श्रद्धा सक्सेना ने कहा कि जहां महिलाएं त्यौहार की तैयारियों में इतनी व्यस्त होती हैं कि खुद के लिए समय निकाल नहीं पाती, इसलिए उनका यह कार्यक्रम उन सभी महिलाओं के लिए है ताकि वे एक दूसरे से मिलकर उनके साथ समय व्यतीत कर सके और कार्यक्रम का आनंद ले सके। अंत में होली के अवसर पर उन्होंने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है। जिस प्रकार सभी रंग एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार हम सभी को प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। नमस्कार, आज अन फाउंडेशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, आपने एक बार होली मिलन का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार और हैप्पी होली सभी को, हम सबकी तरफ से सो से हैप्पी होली। और अंश फाउंडेशन जैसे कि हर साल अपने किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, क्योंकि मेरा मानना है कि लेडीज घर में, जॉब में, काम में, सभी में व्यस्त रहती है, तो थोड़ा सा समय एक हर इवेंट पे अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी भी अपनी लाइफ है, हमें भी अपने लिए जीने का राइट है। तो अभी देखिए सब गुजिया पापड़ सब बना के आएंगे ना, अब यहाँ आकर सब एंजॉय करेंगे, उसके बाद और अच्छे से गोल गोल पापड़ और गुजिया सब बढ़िया बनते हैं। तो मेरा यही सबसे कहना है कि हर फेस्टिवल को खूब अच्छे से खुश होके दिल से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जो 3-4 घंटे हम लोग को अपने लिए मिलते हैं, यही हमारी हैप्पीनेस है कि हम दोस्तों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। क्या क्या खास एक्टिविटीज है आज प्रोग्राम? आज बहुत सारे सरप्राइज गेम्स हैं सबके लिए, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं और हंसी मजाक के टाइटल्स भी हैं। कुछ हमारे रैंप वॉक है, अभी हमारी सारी खूबसूरत महिलाएं चलेंगी, और डांस है, सिंगिंग है, कुछ गजल्स हैं, और बाकी ये फूलों की होली है हमारी। तो कितना एक्साइटेड हो आप इस बार? ये इन सबसे जितने लोग भी रास्ते में है चल चुके हैं सब, बस मैं आ रही हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ, ये इतना एक्साइटमेंट है सबको के लिए। हम सब एक साथ इकट्ठे होंगे आफ्टर 2 ईयर्स, एक अच्छा इवेंट हम लोग साथ में बिताएंगे, अच्छे पल बिताएंगे, डांस गाना ये सब करेंगे, सभी को बहुत एक्साइटमेंट है। होली की बात करें तो होली में पकवानों का विशेष महत्व होता है, कुछ स्पेशल, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ लेडीज नया ट्राई करते हैं, तो कोई नया कुछ ट्राई कर रहा है इस बार? कुछ कोई बना रहा है भाई कोई नया, कोई कोई ऐसी डिश? स्पेशल में ये है कि मैं फर्स्ट टाइम गुजिया बना रही हूं, तो बहुत स्पेशल होगा कि वो खाने में कैसी लगेगी। होली का क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए? होली का इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो ये है कि सभी जानते हैं होली का दहन क्यों होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कलर्स। लाइफ किसी की कैसी भी हो लेकिन कलर्स होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कलरफुल रहते हो ना तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो या ना हो लाइफ जीने का अंदाज ही अलग होता है। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारी श्रद्धा ने ऐसे इवेंट रखी है जिसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटमेंट रहते हैं कि हमें आना है और इन्जॉय करना है। अपनी तरफ से क्या मैसेज करना चाहेंगी होली के अवसर? मैं सभी की तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ, सारी खूबसूरत सी लेडीज जो अभी आ रही हैं, जो अभी रास्ते में हैं और जो अभी घर से निकल चुकी हैं सज धज के, सबकी तरफ से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह बहुत सारे रंग होते हैं और सारे रंगों को हम एक दूसरे के गालों पे लगाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी में खूब सारे रंग भरने चाहिए और हम लोग को बहुत सारे रंग भरने का राइट भी है। ये कहना चाहती हूँ कि बढ़ती उम्र के साथ औरतें बहुत ठंडी हो जाती हैं, और इसलिए इस इतने अच्छे सारी औरतों को देख करके, नारी शक्ति में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को देख करके पावर आता है कि वो औरत इतना अच्छा कर सकती तो मैं क्यों नहीं। और इसको उमंग
तरंग जो हमारे वेव्स आते हैं इस होली के त्यौहार से, और ये नारी शक्ति के लिए बहुत मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। वगैरह ये रहता है जैसे ग्रुप में सब महिलाओं से मिलने से एक अपने अंदर नया उमंग आता है, और जो भी जैसे स्माइल फेस स्माइल या जो घर में प्रॉब्लम्स होती है सबके मिलने से जो है वो थोड़ा सा हटके और दूर होती है। इसलिए सबको मिलना चाहिए अपने घर से समय निकाल के, कहीं भी कुछ हो रहा है किटी ज्वाइन कर लो या क्या, तो मिलते जुलते रहना चाहिए। मेरा कहना है सबको हैप्पी होली। मेरा कहना ये कि महिलाओं को आगे बढ़ के कुछ समाज के लिए करना चाहिए, कुछ अपने लिए करना चाहिए। अगर हम खुश हैं तो हम अपने परिवार को पूरी तरह से खुश रख सकते हैं। आज आपके होटल ग्रैंड मैनहट्टन में होली उत्सव का जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके बारे में जरा बताइए। हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों जो मेरी भाभी हैं श्रद्धा सक्सेना जी, वो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही नेक काम करती रहती है महिलाओं के लिए भी, और उन तमाम असहर्थ और जितने भी लोग परेशान हैं भूखे हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोगों की एनजीओ संस्था उन लोगों की मदद करती रहती है। तो हमने बहुत पहले से प्लान कर रहे थे कि उनका एक कार्यक्रम करेंगे, और फॉर्चुनेटली मतलब इट इज़ अ मिरेकल ऑफ गॉड कि ये होली पड़ गई और हमने उनको आमंत्रित किया अपने होटल में, और उन लोगों के थ्रू हमारे यहाँ होली के उपलक्ष्य में बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अगर होटल की बात करें तो आपके होटल में होली के अवसर पर क्या विशेष हो रहा है? हमारे होटल में बहुत ही विभिन्न तरीके के व्यंजन पकाए गए हैं, जिसमें कटहल का दो प्याज़ा, बटेर करी, कुकड़ द मुर्ग, रोहू मच्छी, हिलसा मछली, काकोरी कबाब, फिश टिक्का दम मसाला, नहारी का गोश्त और चमन की कलियां, इन सारी व्यंजनों से इस होटल को नवाजा गया है, सहेजा गया है, और शाम को हमने बहुत ढेर सारे अतिथियों को आमंत्रित भी किया है। सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि कहा भी गया है कि नारी अबला हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। होली पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? होली पर ये मैसेज देना चाहेंगे कि होली का एक बहुत ही पावन जो सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों में, मिलिए मिलाइए, लोगों को खुशियाँ बांटिए, मिठाई खाइए, भुजिया खाइए, और सबके खुशी में इतना शरीक हो जाइए कि आप विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने के अधिकारी हो पाएंगे। ये त्यौहार रंगों का है, खुशियाँ बांटने का है, और आपस में बहुत ढेर सारी चेष्टाओं को, आपस में अच्छे अच्छे विचारों को आदान प्रदान करने का होता है। मैं फिर भी एक बार आप समस्त लोगों को, अपने सभी अतिथियों को होली के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।